कैसे एक लड़के ने अपने पापा को कुछ ही मिनटों में करोड़पति बना दिया था। क्यों नॉर्वे में लोगों का मरना भी इलीगल होता है। श्रीमद् भागवत गीता का मूल निष्कर्ष आखिर क्या है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, अगर आप चैट का स्क्रीनशॉट लेते हो तो आपको जेल भी हो सकती है। जी हाँ, किसी के साथ हुई चैट का स्क्रीनशॉट लेना और उसे कहीं भेजना, ये दोनों ही चीजें इलीगल हैं। नंबर 2, क्या आपको मालूम है कि 2023 का आखिरी दिन बहुत ही यूनिक होगा, क्योंकि इसके लास्ट डे पर जो डेट होगी वो होगी 123123, क्योंकि ये 12 मंथ 31 डेज और 23 ईयर है। यानी कि अगर हम इसे एक साथ लिखे तो कुछ ऐसा बनेगा 123123। नंबर 3, 11 साल के एक लड़के ने स्विस बैंक को हैक किया और अपने पापा के अकाउंट में $75 बिलियन ट्रांसफर कर दिए, और ये बात उसने अपने पापा को नहीं बताई थी क्योंकि वो उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। हाँ, उस लड़के को पकड़ जरूर लिया गया, पर ऐसा बेटा भी नसीब वालों को ही मिलता है। नंबर 4, क्या आपको मालूम है कि जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट होता है, यानी कि थर्ड आने वाला व्यक्ति सिल्वर मेडलिस्ट यानी सेकंड आने वाले व्यक्ति से ज्यादा खुश होता है, क्योंकि सिल्वर मेडलिस्ट को हमेशा यही लगता है कि वो थोड़ी और मेहनत करता तो वो फर्स्ट आ सकता था, लेकिन थर्ड आने वाले के लिए जीत के मायने कहीं अधिक होते हैं, उसके लिए जीतना ही बड़ी बात होती है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हो तो अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 5, क्या आप जानते हो कि एक बार माइकल जैक्सन की वजह से एक पूरी सुपरमार्केट को बंद करना पड़ा था। दरअसल एक बार माइकल जैक्सन ने सोचा कि वो भी नॉर्मल लोगों की तरह शॉपिंग करे, लेकिन अगर वो ऐसे शॉपिंग करने चले जाते तो भीड़ इतनी बढ़ जाती थी कि जिसकी वजह से माइकल जैक्सन और सुपरमार्केट को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। और इस वजह से जब ये बात पता चली कि माइकल जैक्सन आ रहे हैं तो सुपरमार्केट से सारा सामान पहले ही निकाल दिया गया। नंबर 6, इंडियन रेलवे इतने ज्यादा पैसेंजर्स को कैरी करती है कि इतने लोग तो पूरे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन भी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने, तभी तो इंडियन रेलवे सच में हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। नंबर 7, नॉर्वे में सेवल बोर्ड में लोगों का मरना भी इलीगल है। वहाँ इतनी ठंड होती है कि डेड बॉडी को जमीन में नहीं दफनाया जाता, बल्कि ठंड की वजह से वो बॉडी प्रिजर्व हो जाती है और डीकम्पोज नहीं होती, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है तो उसे कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि वो वहाँ पर मर सके। नंबर 8, हैरी पॉटर की शूटिंग में डैनियल रेडक्लिफ ने 70 से ज्यादा वैन तोड़ी थी। वैन मतलब जो कुछ इस तरह से दिखती है, और 160 से भी ज्यादा ग्लासेस तोड़े थे। यानी कि शूटिंग के दौरान वो इन चीजों से बार बार खेलते रहते थे और उन्हें गलती से तोड़ देते थे, जिसके बाद प्रॉप टीम को इन्हें रिप्लेस करना पड़ता था। अब आप में से हैरी पॉटर किस किस का फेवरेट रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 9, ये तो हम सभी जानते हैं कि भूकंप से बड़ी बड़ी बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है, लेकिन एक बार एक अर्थक्वेक ऐसा आया था जिससे एक बिल्डिंग को फायदा हुआ था। दरअसल लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो कि झुका हुआ था, वो अर्थक्वेक की वजह से सीधा हो गया। अब इस फोटो को भी देख सकते हैं कि 1990 के मुकाबले ये बिल्डिंग आज के समय में 1.6 इंच जितना सीधा हो गया है। बल्कि एक तरफ लोगों को ये डर था कि भूकंप आने पर ये बिल्डिंग सबसे पहले गिर जाएगी। नंबर 10, मैनग्रोव फॉरेस्ट को कोस्टल सिटीज का भगवान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा जोर से वेव आने के बावजूद भी मैनग्रोव फॉरेस्ट और ट्रीज के उस पार का पानी का बहाव बिल्कुल शांत है। यानी कि ये वृक्ष बाढ़ आने से हमें बचाते हैं, और यही कारण है कि इन पेड़ों को काटना हर जगह पर, यहाँ तक कि इंडिया में भी इलीगल एंड बैन है। नंबर 11, यूएस के स्टेट्स में लगभग सारे के सारे अल्फाबेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ क्यू लेटर को छोड़कर। अब ये तो सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि यहाँ के सारे वर्ड्स में क्यू लेटर का यूज होता ही नहीं है। नंबर 12, इस मैप पर आपको दिखाई दे रहा है ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रोड है जिसे चलकर ट्रेवल किया जा सकता है। अगर आप इसके शुरू से लेकर अंत तक जाओगे तो आप आखिर में किसी अलग ही देश में अपने आप को पाओगे, और इसके बीच में बहुत सारे देशों में ट्रेवल कर चुके होंगे। नंबर 13,
अगर एफिल टावर पर आप जाते हो तो आपको पेरिस कुछ ज्यादा कमाल का दिखेगा, और उसी पर अगर आप शाम को जाओगे तो वहां से सनसेट देखने का मजा ही कुछ अलग ही होता है, और यही वजह है कि ये इतना ज्यादा फेमस है। नंबर 14, आगे चलने से पहले आपके लिए एक सवाल है। इस वीडियो को पोज करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि दुनिया की सबसे पहली ब्लैक लेडी कौन थी जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला था। चलो मैं बताता हूँ, हैटी मैकडेनियल दुनिया की सबसे पहली ब्लैक महिला थी जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला था, वो भी 1940 में। और आपको बता दूं कि उस समय का ब्लैक लोगों को ये अवार्ड नहीं दिया जाता था, लेकिन सैड पार्ट ये है कि उन्हें ये अवार्ड होटल के बैकग्राउंड में ले जाकर दिया गया था। उनका ये मानना था कि अगर इसे सबके सामने दिया गया तो लोग ऑफेंड हो जाएंगे। नंबर 15, क्या आपको मालूम है कि सीमेंट का आविष्कार सबसे पहले रोम्स के द्वारा किया गया था, और उन्होंने कई सारी चीजें बनाई थी जो कि आज तक भी टिकी हुई हैं। नंबर 16, इंडिया की जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है उसने 1,00,000 किलोमीटर का सफर तय किया है, वो भी बिना किसी स्टॉप को मिस किए, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उसने बिना रुके इतना सफर तय किया है कि शायद इसे ही कहते हैं मेड इन इंडिया की पावर। नंबर 17, कॉकरोच 5 दिन के अंदर मुंबई से दिल्ली पहुंच सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा तेज होते हैं, पर उन्हें पता नहीं चलता। यदि कॉकरोच एक सीधी लाइन में 1 घंटे तक ट्रेवल करे तो वो 4 से 5 माइल्स यानी कि 8 किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हैं। नंबर 18, क्या आपको पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ना शुरू किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में ही श्रीमद् भागवत गीता कल्पित हो जाना चाहिए था, और मुझे इस बात का हमेशा खेद रहेगा। नंबर 19, ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज चार्ल्स विंकिंस ने पहली बार 1785 में भगवद गीता का संस्कृत से इंग्लिश में अनुवाद किया था। नंबर 20, बहुत ही कम लोगों को श्रीमद् भागवत गीता का मूल निष्कर्ष मालूम है, जिसका अर्थ है कि धर्म के सभी किस्मों को त्याग कर मुझे और सिर्फ मुझे ही अपने आप को समर्पित कर दे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, और हमें कॉमेंट करके बताए कि इनमें से आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।